नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोजाना खाना में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों, जैसे कि हर घर में केला आता है और वो खराब होने लगता है, उसे हम किस तरह से बचाएं, तो केला को हम किस तरह से बचाएं उसके बारे में मैं वीडियो लाई हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि हम केला को किस तरह से बचा सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि केला हर घर में आता है और अक्सर तीन चार केला रह जाता है, बच जाता है और उसे कोई नहीं खा पाता है, तो वो काला पड़ के खराब होने लगता है। तो केला को हम कैसे बचाएं, उसके लिए मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक वीडियो, और ये बहुत ही स्वादिष्ट वीडियो है। आप चाहें तो इसके जगह पर बिल्कुल फ्रेश केला का भी बना सकते हैं। पका हुआ केला का बहुत ही बेहतरीन बनता है मालपुआ। तो आज हम बनाएंगे बची हुई केला का मालपुआ, जो कि आप देख सकते हैं हमारा केला काला पड़ गया था, बच्चों ने नहीं खाए थे, तो हम उसका यूज में आज लेके आएंगे। तो हम उसके लिए डालेंगे एक कटोरी सूजी, सूजी अपने आवश्यकता अनुसार आप ले सकते हैं, और एक कटोरी ये मैदा है, और आधी छोटी चम्मच ये इलायची का पाउडर है। आप चाहें तो इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं, साबुत सौंफ, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और 100 100 ग्राम हम सूजी और मैदा लिए हैं, तो हम इसमें 200 ग्राम चीनी डालेंगे। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं, वैसे केला भी बहुत ही ज्यादा मीठा है, तो हम थोड़ा कम ही चीनी डालेंगे। और इस केले को और चीनी को, मैदा को हम बिल्कुल गिलास से या मैसर से आप इस तरह से बिल्कुल बारीक कर लें। ये देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, बिल्कुल बारीक, केला बिल्कुल बारीक हो जाना चाहिए, इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। और ये केला पका हुआ है तो बिल्कुल देखिए कितना आराम से मैश हो गया। अब इसके जगह पर फ्रेश केला भी उसको अलग से मैश करके आप डालें, मैं इसके साथ मैश की हूँ। और आप देख सकते हैं हम केला को बहुत ही अच्छा मिक्स कर लिए हैं, और इसमें हम मिल्क डालेंगे, 250 ग्राम से ज़्यादा ही डालेंगे हम, और इसे हम आराम आराम से मिक्स करेंगे। बिल्कुल गुठली नहीं रहना चाहिए, इसमें गुठली बनेगा भी नहीं क्योंकि इसमें सूजी भी है। और ये मालपुआ आपको इतना टेस्टी लगेगा, बिल्कुल प्रसाद के जैसा लगेगा, जैसे कि हम लोग कथा पूजा में प्रसाद का यूज करते हैं हलवा बनाने के लिए, तो उसमें भी यूज होता है केला, और बहुत ही टेस्टी लगता है। या चनामृत बनाते हैं उसमें भी केला का यूज होता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ऐसे हमें एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए अच्छे से घोल लेना है, या आप अलग डायरेक्शन में भी घुमा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और आप देख सकते हैं हम घोलते हुए इसे कितना चिकना पेस्ट बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। आप ये प्रोसेस मिक्सर में डाल के, जैसे केला मिक्सर में डाल दिए, सूजी मिक्सर में डाल दिए, मैदा मिक्सर में डाल दिए, और उसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, और इसे हम लगातार 10 मिनट फेटे हैं, जब जाके इतना चिकना हुआ है आप देख लीजिए। तो आपको जिस तरह से इजी हो आप बना सकते हैं, और इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे। आधा घंटा भी आप रख सकते हैं और 10 मिनट भी रख सकते हैं, कम से कम 10 मिनट रखिएगा, जब ही जाके मालपुआ बिल्कुल अच्छा फूल के आएगा। और ये देखिए 10 मिनट के बाद हम एक बार करछी से इस तरह से और फेट लेंगे इसे, इससे ये होगा कि हमारा मालपुआ बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल स्पॉन्जी बनेगा, फूला फूला। हम मालपुए को आप रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हैं, इसे डालडा में भी तल सकते हैं, और इसे घी में भी तल सकते हैं, तो आपको जिस जैसा अच्छा लगे वैसा आप तल सकते हैं। तो मैं रिफाइंड में तल रही हूँ, और ये देखिए हम गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं, और हम थोड़ा सा बैटर में से डाल के और चेक करेंगे कि हमारा तेल गर्म है कि नहीं। ये देखिए हमारा तेल अच्छा से गर्म हो चुका है, हमारा जो बैटर था वो सीख के ऊपर आ गया, तो हम अब बनाते हैं मालपुए को। ये देखिए हमारा तेल गर्म है, और हम मालपुए को डालेंगे, जिस साइज का आप पसंद करते हैं उस साइज का बना सकते हैं। और ये देखिए बैटर डालने के बाद में हम इस तरह से थोड़ा सा करछी से तेल डालेंगे, और फ्लेम हमारा लो मीडियम रह रहा है, जैसे आवश्यकता पड़ रहा है वैसे आप रख लीजिएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मालपुआ बिल्कुल जैसा कि भटूरा फूलता है उस तरीके का फूल रहा है, आप देख सकते हैं। इसे हम बहुत ही अच्छा फेटे हैं, इसका आप ध्यान दीजिएगा, और हम पलट देंगे। पलटने के बाद में हम दोनों तरफ से बिल्कुल गोल्डन सुनहरा करके निकालेंगे, और ये देखिए हम अलट पलट के मालपुए को बिल्कुल सुनहरा पका लिए हैं। अब इसे हम सावधानी पूर्वक, आप इसे सावधानी से करें, और हमारा मालपुआ बनके रेडी है। और हम तेल को निचोड़ ले रहे हैं, उसके बाद हम टिश्यू पेपर पर रखते जा रहे हैं।
और ये देखिए हम इस बार थोड़ा बड़ा मालपुआ बनाएंगे, पूरा करछी भर के डालेंगे और बड़ा मालपुआ बनाएंगे। और ये देखिए हम फ्लेम को लो रखे हैं, ऊपर से हल्का हल्का तेल डाल ले रहे हैं जिससे हमारा मालपुआ पैर के ऊपर आ जाए। और ये देखिए बहुत ही अच्छा मालपुआ फूल रहा है, आप देख सकते हैं इस चीज को। और ये हमारा मालपुआ बिल्कुल बड़ा साइज का बना है। फ्लेम को हम लो ही रखे हैं, ऐसे हम इस तरह से पलट देंगे। पलटते टाइम सावधानी से पलटे आप। और ये देखिए हमारा मालपुआ अच्छा से सिक रहा है। अभी हम इसे अलट पलट के एक बार और सेकेंगे। और ये देखिए हम अलट पलट के दोनों तरफ से सुनहरा कर लिए हैं। और यहाँ पे हमारा मालपुआ तल के रेडी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा बेस्ट केला का मालपुआ बन के रेडी है और बहुत ही बेहतरीन बना है। और इसे मैं सर्व की हूँ मिर्च का अचार के साथ। मिर्च का अचार का वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप इस तरह से बनाते हैं मालपुआ तो आपका बचा हुआ केला वेस्ट नहीं जाएगा और आप इसका कुछ अच्छा बना के खा पाएंगे। और अगर आप इस तरह से मालपुआ बनाएंगे तो कुछ अच्छा बना के वेस्ट चीज का, जैसे हमारा केला वेस्ट था तो मैं उसका मालपुआ बनाई और इसे बच्चे बहुत ही मजे से खाते हैं। और आप इसे किसी के लंच में या किसी भी गेस्ट को भी दे सकते हैं, उनको इतना अच्छा टेस्ट लगेगा कि आपसे वो बिना पूछे रहने सकते हैं कि आप किस तरह से इसे बनाए हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का आइकन है उसे जरूर क्लिक कीजिए।